हेलो बच्चों, मैं नानी दादी रसोई बोल रही हूँ। नमस्ते, कैसे आप लोग? ठीक है ना? चलिए आज कुछ स्पेशल चीज बनाते हैं। आइए काम शुरू करते हैं। गैस चला देते हैं और ये प्याज है। इस प्याज को ना बीच से ऐसे काटते हैं, पूरा नहीं काटेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे काटेंगे। इसे इसके पानी में डाल देंगे, ऐसे काटेंगे थोड़ा थोड़ा, पानी में डाल देंगे। इससे क्या बोलो, क्या प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे बनेंगे इसके पकौड़े। ये इसको हमने डाल दिया, जब तक हमारा प्याज उबल रहा है तब तक हम ये बेसन के मसाले तैयार कर लेते हैं। इसमें एक चम्मच हल्दी, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, ये डालेंगे इसमें। और ये नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये तेज हो जाएगा। अब इसको इसे मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा, तो फिर ज्यादा गीला हो जाएगा तो प्याज में लगेगा नहीं, और फिर ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो खाली बेसन बेसन के स्वाद आएगा, इसलिए बीच बीच के घोलते आते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल ऐसे तैयार हो गया। ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना तो ज़्यादा पतला है, ये ठीक है। ये तो प्याज पे ज़्यादा बेसन नहीं लगेगा, आप प्याज से छोड़ेगा भी नहीं, ठीक रहेगा। चलिए जब तक ये हमारा प्याज उबलता है तब तक हम ये चटनी बना लेते हैं। हमने डाल दिया ये हरी मिर्च और ये अदरक और ये टमाटर और धनिया, धनिया पत्ता, और ये नमक, और ये दही, दही है ये सारा कुछ डाल दिया हमने। अब इसको पीस लेंगे। चलिए हमारी चटनी को पीस लेंगे। चलिए हमारी चटनी को पीस लेंगे और हमारा प्याज भी उबल गया थोड़ा, इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए। तो ठंडा हो जाएगा तब काम होगा। और हम ये तब तक चटनी इसको खाली कर देते हैं। ये देखिए चटनी, हरी चटनी धनिया की। चलिए अब हमारा भोजन तैयार है। तेल में रख दिया है, प्याज भी ठंडा हो गया। अरे ये मसाला जो हमने दिया था ना, हम फिर नमक और ये मिला देंगे सारे, क्योंकि इसे हमें प्याज में भरना है। ये सारे हमने मिला दिया, ये हमें अब इसको प्याज है ना, इसे ये प्याज के अंदर इसे इसको भर देंगे इसे। ये देखिए ये इसके प्याज के अंदर ऐसे ऐसे भर देंगे इसको। ये भर गए सारे प्याज जो है ना, मसाले भर दिया हमने इसमें। अब इनको बेसन के घोल में डाल करके पकौड़े बना लेंगे। बिल्कुल आसान सा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं, कोई ज्यादा
ज्यादा मसाला नहीं कुछ नहीं, झटपट बनने वाला चटपटा सा पकौड़ा है। आप खाइए, बनाइए और हमें भी बताइए कैसा बना ये पकौड़ा आपका। थोड़ा तेल चेक करते हैं, तेल गर्म हो गया, तेल देखिए प्याज पकौड़े और धनिया टमाटर चटनी तैयार है। आप लोग खाइए और हमें बताइए कैसा लग रहा है।